महिमालेख प्रभु दया कर सर्वशुभ सर्वसंत आनंद मंगल कर महाब्रह्म महिमालेख प्रभु महिमा धर्म धर्मर महिमा महिमा धर्म जो परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्वब्रह्मांड सचराचर जीवजगत धारण कर रखी अछंति से परमात्मा परमेश्वरंकर नामगान करिबा महिमागान करिबा महिमा प्रचार करिबा धर्म महत प्रचार करिबा ए सब महिमा धर्मर लक्ष्य तेरे महिमा धर्म कहिले जहाँ आचरण करा जाए उच्चारण सहित जहाँ कर्मरे प्रयोग करा जाए वाक्यर नुहे तेनालीपरी भीम भई भजन लिखिंट चारिगोटी कर्तव्य प्रांते करिली स्नान उदयस्थ दर्शन रात्रे नाही भोजन मुखे भजुअछि नाम से भाव भीम भई भजन बुझापाई हेले भीम भई भजन गुड़िक वेदांत वाक्य आधारित भजन तेणु भजन को बुझापाई हेले लाक्षणिक ज्ञान आवश्यक जेपरी भीम भई कहिछंति वंदना पाद पद्म को ध्याई अरूपानंद को से परमात्मा परमेश्वर वंदना पाद पद करिवा जेपरी पद्मरे कोमल थाए सुंदरता थाए एवं रस परिपूर्ण होइथाए एवं जे परमात्मा परमेश्वर अशेष गुण सर्वगुण संपन्न सेपरि परमात्मा परमेश्वर जे अरूप आनंद जे पूर्णानंद से पूर्णानंद परमात्मा परमेश्वरंकर भजना करी ध्याई ध्यान करी एकता भीम भई कहते कर्म करिवा प्रक्षेरे मध्य एपरि साधु संत मानकर कर्तव्य का आचरण करी कहते जे गृहकर्म तेजी भक्ते प्रचारुछंती जगते जीव उद्धार निमते भरोसा करी नामंकु गृहकर्म तेजी गृहकर्मरे जेपरी थाए मो पिता मो माता मो घर द्वारा मो परिवार मोर संतान मोर समस्त थाए जा इति भाव की परिमा कराई थाए तेणुक सेपरी बारे साधु संत मानकर उदारा चरितानंद बसंत हो कुटुंबक तेम सचराचर ब्रह्मांड मोर परिवार मोर घर द्वारा से मत मंगल कहीं से मंगल कामना कर गृह त्याग कर साधु संत मान जहाँ भीम भाई कहते गृहकर्म तेजी भक्ते जो गृहकर्म त्याग करी पारिवारिक जीवन यही समस्त कथा त्याग करी संत माने गुरु स्वरूप परमात्मा प्रतीक वार्ता बह हिसाब से परमात्मा परमेश्वर अमृतवाणी को प्राणी मान को शुणवा परमात्मा अमरूप उपदेश जेकि जीवन कल्याणकारक उद्धार मार्ग कथा प्राणी मानक शिक्षा देवा जगत भगत दुख दुर्शता कथा समस्त कथा परमात्मा पाखरे निवेदन करिवा ए जगतर प्राणी मानक जिते दुख जंत्रणा कष्ट अनुभव करुछंती साधु संत मानक पाखरे के भक्त भाव जणैले परमात्मा प्रार्थना करिवा जगत भगत मंगल हेउ जगत भगत कल्याण हेउ सेपरि जगत भगत मंगल कामना कर साधु संत मैने परम जगत में विचरण करुछंती जहाँ भीम भई कहते प्रचारुछंती जगते गुरु स्वरूप जेपरी गुरु को अनुष्ठान गुरुंकर महत्व वर्णना करी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तीन देवतांकर प्रतीक भाव कहा जाए सेपरि यही गुरु स्वरूप परमात्मा गुरु से होंगे गुरु जेपरी भागवत कही गु अक्षर गुणात्त रु अक्षर रूप वर्जित रूप गुण द्वयनास्ति तस्मै श्री गुरवे नभ यहीपरी गुरु जे परमात्मा परमेश्वर जे काल जहाँकर अधीन काल जहाँकर अधीन एवं जे काल जहाँकर आज्ञाधीन जे कालातीत परमात्मा परमेश्वर तेणु से परमात्मा परमेश्वर गुरु स्वरूप अच्छा तापर आम व्यवहारिक भाव में जो गुरु जो मैंने साधु सन्त मैंने परिभ्रमण करवहारिक प्रक्रिया रे गुरु स्वरूप परम तीन मूर्ति तीन देवतांकर प्रतीक भाव से परी गुरु
जे कि धर्मान गुणान उपदेश्यन्ति ते गुरु, जे धर्म गुण कर्तव्य आचरण को शिक्षा दियन्ति से गुरु, गुरु स्वरूप रे विचरण करुछन्ति। तेणु धर्म को शिक्षा देवा, धर्म प्रचार करवा, धर्म कथा कहवा, लोक शिक्षा देवा, जहाँ कायम पाखे आचरण करिवार जीवर कल्याण हबो। ए कल्याण कथा को आचरण करी परमात्मा कर अशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा कथा, एक कथा साधु संत मान कही थांती गुरु स्वरूप रे। तेणु यहीपरी भाव जगत भगत निमित्त कल्याण करने कर्म अनुष्ठान करवा, शिक्षा देवा, परमात्मा का वार्ता प्रचार प्रसार कर साधु संत मान परिभ्रमण करी थांती। से परी भीम भाई द्वितीयपद चरण कहले भजन अति करुछंती कर्ममान पितामातांक विधान, पितामातांक विधान जेपरी पितामातांकर कल्याण द्वारा आमे बंचिछंती, पितामाता जन्म देले, लालन पालन कले, काखे कोले बड़ मनीष कले, तो आम समाज भितर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करिछंती। सेपरी परमात्मा आमर पूज्य पितामाता ठारु बड़ देवता के स्वर्ग रे नाही, ताकर आशीष सहायक आसीना विपद तरीपा, एकम्र परमात्मा जगत भितर पितामाता होती जे चेतन देवता, जे दे कि बतांती चेतन स्वरूप जे आम कल्याण कामना करण कर सत् उपेश सत् प्रक्रिया सत्कर्म द्वारा आम जीवन जापन करने जो उपेश देवता, तेणु पितामाता होती देवता जीवंत ठाकुर। सेपरि परमात्मा परमेश यहीपरि ठाकुर भाव पूजा करिया, सेवा करिया, भक्ति करिया एवं निजर संतान संतति को उपयुक्त शिक्षा देवा, सत शिक्षा देवा, सत उपस देवा, जीवर कल्याण मार्ग पाई प्रेरणा देवा, प्रोत्साहन देवा, मनीष भल मनीष जगत जेत करपे भल मनीष होगा सब गुरुत्वपूर्ण आदर्श आचरण निष्ठा, ए समस्त कथा हूँ आमर विशेषत्व। यहपरि विशेषत्व भाव नहीं कि जो कर्म पितामाता आम शिक्षा दे तेणु से परमा सेवा कर सत शिक्षा देवा, गृहकरण करवा, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण पर छुआ कथा बुझा, गोरु गाई कथा बुझा, बिलवाड़ी कथा बुझा, साधु सत कथा बुझा एवं सर्वोपरि परमात्मा परमेश्वर को भक्ति करवा। भागवत कार जहाँ कही गृह थाण पार्था विहित कर्म कर से कर्म गोटाक पार्था कहीं नुए सरी, तेणु सर्वसमस्त समस्त कर्म संपादन करापर भक्त भाव जो कर्म सब ये परशेषर परमात्मा को भक्ति करा जाए, शरणपरण शरण निया जाए, सेपर कर्म कर से परमात्मा आशीर्वाद प्राप्त हो, कल्याण पथर पहुँचवा, लक्ष्य तल पहुँचवा, मुक्ति मार्ग में पहुँचवा, यहपरि भाव में शिक्षा दि जाए था गृहकर्म। तेणु ये गृहकर्म का संसार क्रिया भितर तेणु संसार गृह यहपरि जे ममता ये कि मोर पर गृहजन समस्त कथा परिहार कलापर ते जगत भगत कल्याणार्थे जगत मंगलपाई जगत मोर पर समस्त कल्याण कामना कर साधु सन्त मैने परिभ्रमण करपरि भाव महिमा धर्म विशेषत्व। एवं अन्य प्रकार जत प्रकार बाह्य कथा कहगला बेले तेनाली महिमा धर्म महिमा धर्म महत्व उपदेश शिक्षा हूँ अंतर्निहित, अंतर्निहित भाव कर्म करवा, अंतर भितर अनुसरण करवा, अंतर परमात्मा अंतर भितर अच्छा परमात्मा सेपरि सर्वघटे सब प्राणी मान भर अच्छा परमात्मा परमेश्वर, परमात्मा कोटि केत सीमित नुहत परमात्मा व्यापक। जेपरी धर्म कथा कहुचे ध्रुधातु मन प्रत्यर्थरे धर्म शब्द निष्पन्न हो धारण करवाथे मन प्रतर अर्थ हूँ निरतिशय महान, तेणुक जे सीमित नुहे जे व्यापक भाव से धर्म धारणा कथा धर्म प्रचार प्रसार करपरि से ब्रह्म को जे व्यापक ब्रह्म कथा कहले ब्रू धातु व्यापक अर्थरे अनुरूप मन प्रत्यय जगे सीमाहीन सीमाहीन भाव ब्रह्म को ब्रह्म भाव उपासना करा जाए सर्व आकाशवत जेपर आकाश आमर बर्तमान ये अच्छी यहपर सचराचर आम भारत अच्छी इंग्लैंड अच्छी आमेरिकार अच्छी साउद आरब अच्छी आकाश अच्छी सेपरि परमात्मा परमेश्वर सर्वव्यापी भाव सबुठ आकाश
ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଗାନ କରିବା, ସ୍ତୁତି ଭକ୍ତି କରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ମହିମା ଧର୍ମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ସେ ପରମ ଭକ୍ତି କରିବା। ସେ ବ୍ୟାପକ, ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସୀମିତ ଭିତରେ ନୁହଁ, ସେ ମହାନ, ସେ ଆକାଶ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ ମୁକ୍ତ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାବନା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବା ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ସର୍ବ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ। ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ମହାମହିମା ଆଲେ।